स्कूल शिक्षा बोर्ड छात्र हित और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कदम उठाता आ रहा है। इसी कड़ी में अब बोर्ड प्रशासन मैट्रिक और प्लस टू के इस वर्ष के टॉपर्स से वर्चुअल मीटिंग कर रहा है, जिसके चलते बोर्ड चेयरमैन ने इस वर्ष की मैट्रिक की मेरिट में प्रदेश भर में पहले 10 स्थानों पर जगह बनाने वाले मेधावी स्टूडेंट्स से वर्चुअल मीटिंग की और उनसे विचार साझा करते हुए शिक्षा को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए। वहीं अगले कल बोर्ड चेयरमैन प्लस टू की मेरिट में जगह बनाने वाले 10 स्टूडेंट्स से 2 सत्रों में वर्चुअल मीटिंग करेंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बोर्ड चेयरमैन ने टॉपर्स के साथ फोन पर बात की थी और इस वर्ष शिक्षा मंत्री ने भी ऐसे बच्चों से बात की है। कोरोना संकट में टॉपर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड की इस पहल का अभिभावक भी स्वागत कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड की मैट्रिक व प्लस टू की वार्षिक परीक्षा की मेरिट सूची में पहले 10 स्थानों पर जगह बनाने वाले स्टूडेंट्स से बोर्ड प्रशासन ने वर्चुअल मीटिंग करने का निर्णय लिया था, जिसके माध्यम से बच्चों के सुझाव लेने और शिक्षा व्यवस्था पर विचार साझा करने हैं। उनके द्वारा मैट्रिक की मेरिट सूची में आए बच्चों से बात की गई है, जबकि अगले कल प्लस टू की मेरिट में जगह बनाने वाले बच्चों से 2 सत्रों में वर्चुअल मीटिंग की जाएगी। इस दौरान बच्चों के अभिभावक भी साथ होंगे तो उनके सुझाव लेने का भी प्रयास किया जाएगा। अभी जो बच्चे प्लस टू में टॉप किए हैं यानी पहले 10 स्थानों पे हैं, और मैट्रिक में जो पहले 10 स्थानों पे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है वर्ष भर, और वर्ष भर की मेहनत का कड़े परिश्रम का ये नतीजा है कि उन्होंने अब सम्मान हासिल किया है। उन बच्चों के साथ हम जब पहले बातचीत करते थे तो पिछले वर्ष मैंने टेलीफोन से बात की, और इस वर्ष टेलीफोन के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी ने भी बच्चों से बात की है। बोर्ड ने यह तय किया था कि बोर्ड के अध्यक्ष सीधा बच्चों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे, उनसे कुछ सुझाव भी मांगेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या कमी लगती है और किस प्रकार से इसको सुधारा जा सकता है, उनकी मन में क्या चल रहा है वो जानने का प्रयास हम करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि जब सक्सेस प्राप्त कर लेता है बच्चा तो कई बार सोच लेता है कि मेरा ये अंतिम पड़ाव है, जीवन एक संघर्ष है और निरंतर प्रयास करना चाहते हैं, चरैवेति चरैवेति निरंतर चलते रहो। तो जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो उनको इसी प्रकार से मोटिवेशन देंगे कि जिंदगी में निरंतर प्रयास करके ही बड़े बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज बोर्ड उनके साथ बोर्ड ने बात की है, चेयरमैन ने सीधा बात की है। सभी आज केवल हम 10वीं के बच्चों से बात करेंगे जो 10वीं के मेरिट लिस्ट में बच्चे आए हैं, कल के दिन में हम 2 सेशन में 12वीं के बच्चों से बात करें, उनको मोटिवेट करें। साथ में ये भी रहेगा कि उनके अभिभावक यदि साथ बैठे हैं तो उनसे भी कुछ सुझाव लें और हम भी कहें कि आप बच्चों को बेटर वे में किस प्रकार से गियर अप कर सकते हैं चुनौतियों का सामना करने के लिए, और अच्छे नागरिक वो कैसे बन सकते हैं, संस्कारित कैसे बन सकते हैं। तो ये पहला प्रयास है जो बोर्ड ने किया है, ये एक बिल्कुल नवीन प्रयास है, और आगे को हम ये करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। आपको मालूम है पिछले वर्ष ऐसे जाके जिला जिला में जाकर मैंने खुद प्रिंसिपल्स जितने थे हेडमास्टर थे उनसे बातचीत की थी, नतीजा आप देख सकते हैं कि उस संवाद का नतीजा ये रहा कि सरकारी स्कूलों ने अगर आप परीक्षा परिणाम देखें तो बहुत बेहतर किया है, प्लस टू में खासकर बहुत बेहतर किया है, और नकल भी कम हुई है, यानी एक एक्टिवेशन हुआ है, सक्रिय हुए हैं सारे लोग। तो ये सक्रियता बनी रहे और इस कड़ी को जारी रखने के लिए हम ऐसे वर्चुअल मीटिंग या कॉन्फ्रेंसिंग हम करेंगे, और प्रयास ये रहेगा बोर्ड का कि हम सीधे शिक्षा मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से भी सारे प्रिंसिपल्स ऐसे टीचर से बात हो जिससे हम सिस्टम को एक्टिवेट कर पाए, बेहतर कर पाए, शिक्षा व्यवस्था में पूरे इन्वॉल्व हो जाए सारे। इस प्रकार का हम कैसे कर सकते हैं, बेहतरी कैसे ला सकते हैं, ये प्रयास करेगी, ये प्रयास बोर्ड करेगा।